ये शिविर खासकर त्रिरत्न यूथ जो अंडर 40 धमचारी है उनके लिए शिविर का आयोजन किया गया है। त्रिरत्न यूथ के माध्यम से हम अपने अपना विकास किस तरह से कर सकें, तो अभी फिलहाल ये जो शिविर है ये सिर्फ हमारे अपने विकास पर्सनल प्रैक्टिस के लिए है। जो यंग ऑर्डर मेंबर है इन्होंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग ली है, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्होंने ली है, तो इन्हें भी एक मौका मिले कि बहुत ही इंटेंसिव ऐसे धम्म की प्रैक्टिस ये कर पाए। कुछ युवाओं के लिए काम करता हूँ, क्लासेस चलाता हूँ वहाँ पे, जो अंडर 22 के अंदर के कुछ लड़के लड़कियाँ हैं उनके साथ में वहाँ पे उनका क्लास लेता हूँ, उनके वर्कशॉप लेता हूँ। उसके बावजूद मैं कुछ आजू बाजू के जो गांव हैं वहाँ जाके भी शिविर लेना, हमारी जो टीम है पुणे की टीम, हम वहाँ जाके शिविर लेते हैं और कुछ वर्कशॉप भी वहाँ पे हम लेते हैं। त्रिरत्न यूथ एक तरह से एक ऐसा मुहिम है जहाँ पर, जैसे आप सुन रहे हैं यूथ मतलब कि युवा, तो त्रिरत्न में जितने भी यूथ हैं वो लोग किस तरह से हम लोग एक साथ आए और एक साथ मिलकर पर्सनल प्रैक्टिस करते हुए और यूथ को कैसे हम संघ में धम्म में जोड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम कैसे त्रिरत्नों को गंभीरता से शरण गमन जा सकते हैं, उसका एक प्रयास है ये। तो शिविर का जो विषय है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, दस चिंतन। जीवन के ये ऐसे दस चिंतन है जिससे हम और भी जीवन को गहराई से समझ सकते हैं। करी है दस चिंतन, तो मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है और जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है इस दस चिंतन से। तो अपने दोस्तों के साथ हूँ, शेयरिंग करके सीख रहा हूँ, तो काफी अपने आप में एक थोड़ा ऐसा फील कर रहा हूँ कि जो एक बड़े पैमाने पे जिसको मुक्ति बोलते हैं या फिर फ्रीडम बोलते हैं उसका शब्दों में हम बोलते हैं, लेकिन कहीं पर भी उसका मैं एक थोड़ा सा फील कर रहा हूँ। दस चिंतन जिसमें हम पूरी तरह से एक एक चिंतन को लेकर कि हम जातिहीन परिस्थिति से कैसे हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर हम शरण गमन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो किस तरह से हम जाति के दायरों से हम बाहर निकल कर एक व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। ये जो भी जीवन का चिंतन है, जो दस चिंतन है, तो उस एक एक चिंतन सुभूति जी बता रहे हैं, तो उन चिंतनों के ऊपर में हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन हम ला रहे हैं, उसको हम कैसे जी रहे हैं, इन सारी बातों की हम चर्चा करते हैं। दस चिंतन बुद्ध ने भिक्षु के लिए बताए थे, पर ये हमारे जीवन में कैसे लागू हो रहे हैं, ये हमारे से उसका कैसा कनेक्शन है, ये आदरणीय धम्मचारी सुभूति जी ने ये हमें बताया और हर एक चिंतन को हम बहुत गहराई से देख रहे हैं और खुद को लगा के देख रहे हैं। जब तुम्हारी मृत्यु होगी या फिर तुम्हारा मृत्यु का समय नजदीक आएगा तब तुम्हें ऐसा कुछ पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि यार मैंने मेरे जिंदगी में कुछ गलत काम किए हैं या फिर मैंने कुछ छुपाया है, कुछ मैंने मेरे पेरेंट्स को मेरे परिवार को कुछ धोखे दिए हैं, तो ये ऐसा कुछ न होना या फिर कुछ पश्चाताप नहीं होना और मैं वो मृत्यु को स्वीकार करूँ, ये जो बात है ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैं यहाँ से वो पूरा अवेयर रहूँगा कि मेरे से जो अकुशल काम हो रहे या फिर कुछ हुए है तो ताकि उसको मैं कैसा कम कर सकूँ और जो मेरे कुशल कर्म है उसको मैं और बढ़ा सकूँ ताकि जब मृत्यु मेरी नज़दीक आएगी तब मुझे बिल्कुल ही पश्चाताप न होगा और वो मृत्यु को मैं सहज दिल से मैं उसको मैं स्वीकार कर सकूँ। हमारा जीवन किस तरह से दूसरों पर निर्भर है इस पर चिंतन करना, तो ये कि हम कितना भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बोले लेकिन हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और अगर मुझे मेरा विकास करना है या मैं मेरी तरफ देख रही हूँ तो मुझे अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर रहना है क्योंकि उनके कारण ही मेरा विकास हो पा रहा है। और इस चीज का मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा और खुद के तरफ से ज्यादा देखने की कोशिश करूंगा और रियल में स्पिरिचुअल क्या है ये विजन मुझे इस शिविर के मार्फत मुझे मिला है, तो सही में ये शिविर मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण हुआ।
मशाल है। और उस मशाल को अगर पकड़ कर और वो मशाल तीन चीजों का